बैंक्स एंड एनबीएफसी सिर्फ इंडिया में 7 करोड़ लोगों को लोन दे सकते हैं, पर अभी भी 133 करोड़ लोगों को लोन देना बाकी है। अब ये केवाईसी में नॉन आधार लोगों को क्यों ले रहे हो? अभी तो पूरा हिंदुस्तान आधार पे है। 1 करोड़ से तू कहां पहुंचेगा काका? सर 1 करोड़ से वी विश 100 करोड़ यूजर हो जाएंगे। 100 करोड़। श्वेता झा, इस सीजन में हमने बुलंद हौसले देखे, सपनों को उड़ते हुए भी देखा, इतिहास भी रचा गया, कुछ ना उम्मीद भी हुए, मगर खाली हाथ कोई नहीं गया। यही तो खासियत है, यही खूबसूरती है इस मंच की, जहां पर इधर यू अर्न और यू लर्न। सो वंस अगेन वेलकम टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर। कहते हैं ट्रस्ट इज द करेंसी ऑफ बिजनेस। हमारे देश में आज भी कई छोटे शहर और ग्रामीण इलाके हैं जहां पर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफलाइन होते हैं, यानी कि ये सारा बिजनेस बस विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सवाल ये है कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए और किस पर ना करें, ये कैसे तय किया जाए। कर्जा देने वाले और कर्जा लेने वाले, ऐसे ही करोड़ों भारतीय की समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं हमारे स्टार्टअप। सो लेट्स वेलकम क्रेडमेट। नमस्कार हॉर्सेस, हमारा नाम है गौरव। मैं गौरव शर्मा जो 26 साल से परेशान था। और मैं हूँ गौरव कुंद्रा जो 9 साल से परेशान था। और आप सोच रहे होंगे इन्होंने अपनी जिंदगी के 35 साल एक ही प्रॉब्लम में, एक ही परेशानी में निकाल दिए। आप जान के बहुत हैरान होंगे कि आधी दुनिया इस चीज का शिकार है, और वो प्रॉब्लम क्या है? उधार में धोखा और एक सही इंसान को सही टाइम पे पैसे वापस ना मिलना या उसको लोन ना मिलना। तो महावीर सर, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी 20-30 कंपनियां एनबीएफसी को होंगी जो आपको हर साल के एंड में बताती होंगी कि सर हमें 10% का बैड डेब्ट्स हो गया? तो सर, अगर आपको पहले ही पता होता कि उनका सोशल क्रेडिट स्टेटस क्या है, क्या पता वो 10% से सीधा बैड डेब्ट्स 2% पे आ जाता। मंदार सर, आप दुबई से हैं तो बहुत लोग होंगे जो दुबई में स्कैम करके या क्रेडिट ना दे के कंट्री चेंज कर लेते होंगे और दूसरी कंट्री जाके भी वही दोबारा स्कैम्स करते होंगे। नवीन जी, आपके भी पोर्टफोलियो में ऐसी कुछ कंपनीज होंगी जो बिल काटती होंगी, पोस्ट डेटेड चेक लेती होंगी, फिर भी उनको कहीं ना कहीं बैड डेब्ट्स होता होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, वो है क्या। आज आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो सब आपसे बोलते हैं, पाजी प्लीज़ पर्सनल लोन ले लो, पाजी प्लीज़ क्रेडिट लोन ले लो। कैसे उनमें इतनी एनर्जी आती है बिना कोलैटरल के लोन देने के लिए भी? वो एनर्जी का राज क्या है? इन सब बैंक्स और एनबीएफसी के पास एक मेट है और उसका नाम है सिबल, जो सिबल इन सबको प्रोटेक्ट करता है उनका दोस्त बनके। एग्जांपल, मैंने आईसीआईसी बैंक को एक डिफॉल्ट कर दिया तो सिबल जाके सब बैंक्स और एनबीएफसी को बताएगी कि इसको उधार नहीं देना या लोन नहीं देना। लोन नहीं देना और या अपनी मर्जी से दें और रिस्क देख के लें। तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं एक फाइनेंसर हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक रिश्तेदार हूँ और मैं एक दोस्त हूँ, क्या मेरे लिए कोई ऐसा मेट बना है? दुनिया में सर हर एक इन्वेंचर इनोवेशन के पीछे एक इतिफाक होता है। ऐसा ही कुछ इतिफाक हम दोनों के साथ हुआ। नाम सेम होने के साथ साथ हमारा प्रोफेशन भी सेम था। एक दिन हम इसी तरह एक शादी पे मिले तो जैसे आप 5 लोग आपस में बातें करते होंगे, यार वो स्टार्टअप ने मुझे फेल कर दिया, वो स्टार्टअप ने काम नहीं किया, हमने भी वैसे ही कुछ अपनी गुस्तगु चालू की। तो सर ने मुझे बताया कि जनवरी महीने में एक सुखदेव नाम के बंदे ने मेरा 3 लाख रुपया डिफॉल्ट कर दिया। मैं कहा सर वही सुखदेव ने तो मार्च में मेरा 5 लाख का डिफॉल्ट कर दिया। तो रोना इस बात पे आ रहा था, इनके साथ तो डिफॉल्ट हुआ ही हुआ, पर मेरे पास कोई ऐसा मेट क्यों नहीं था जो मुझे आके जनवरी में ही बताता कि ये बंदा डिफॉल्टर है, इसको लोन नहीं देना। सर क्रेडमेट दुनिया का सबसे एक्यूरेट स्कोर और ऑथेंटिकेशन कैसे देता है? सर एग्जाम्पल, मोहित जी मैं आपका दोस्त फ्रेंड या आपका बिजनेस चैनल का कोई दोस्त हूँ या पार्टनर हूँ, मैंने आपको बोला सर मुझे 50,000 रुपये उधार पे दे देंगे, तो आप बोलेंगे कि गौरव जी मुझे क्रेडमेट की ऐप पर आप प्रॉमिस लिख के भेज दीजिए। तो मैं आपको सर टाइम एंड डेट मेंशन करूँगा कि मोहित जी मैं आपको 10 मई को 5 बजे से पहले पहले आपके पैसे वापस कर दूंगा। जब मैंने आपको पैसे वापस करने होंगे आपके हाथ में एक OTP होगा, मैं आपको एक हाथ से आपके पैसे वापस दूंगा, दूसरे हाथ से वो OTP लेके वो ट्रांजैक्शन क्लोज करूंगा, देन आई विल बी ऑन द गुड रिकॉर्ड्स। अगर मैं फेल हो जाता हूँ 6 बजे से पहले पहले OTP डालने से तो आई विल बी अ डिफॉल्टर।
टू प्रमोट द डिफॉल्टर ऑल्सो वी हैव डिवेलप्ड वन थिंग. जैसे ही सर मैंने मोहित सर को पता चल गया ये डिफॉल्टर है, तो मोहित सर को भी बहुत गुस्सा आ रहा है. तो मोहित सर कैन गिव 1000 rupees टू क्रेडमेट, प्लीज प्रमोट गौरव मोर. कि आप इसको और प्रमोट करें, अपनी टाइमलाइन पे प्रमोट करें कि ही इज द लेटेस्ट डिफॉल्टर. सर आप तो ट्विटर बन गए सर. यस, विद द कंसेंट ऑफ द बोरोअर. बोरोअर ने खुद कंसेंट करता, आप जहां मर्जी मेरी आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, क्योंकि वो आपका हक है. सो आप ये बोल रहे हो कि मैं जब क्रेडमेट के ऐप पे मेरा करता हूँ और मैं बोरोअर हूँ, मैं सर. आपको ऑनलाइन कंसेंट दे रहा हूँ कि अगर मैंने टाइम पे आपका रिपे नहीं किया जी सर, तो आप मुझे डिफेम कर सकते हो. ओनली ऑन क्रेडमेट सर. ये नहीं, ये मैं आपको रिटर्न में कंसेंट दे रहा हूँ ऑनलाइन. सर आप लिख के नहीं, जब सर आप ऐप ज्वाइन करते हैं, हाँ, देयर कम्स अ लॉट ऑफ उसमें एक कंडीशन ये है कि आप मुझे डिफेम करो, किसी भी हद तक जाओ. हद नहीं है सर उसमें, हद क्या है सर, ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइन, क्योंकि एक टाइमलाइन है. और सेकंड ऑप्शन है कि जब मैं आपके पास लोन लेने आया, तो यू कैन चेक माय फेस, माय फोन नंबर, आधार, जीएसटी, एनीथिंग, आई विल बी शोन एज वन ट्रांजेक्शन डिफॉल्टेड. बैंक्स एंड एनबीएफसी सिर्फ इंडिया में 7 करोड़ लोगों को लोन दे सकते हैं, पर अभी भी 133 करोड़ लोगों को लोन देना बाकी है. वो किस बेस पे होगा, उसके लिए एक मेट चाहिए सर. तो सर जस्ट इन वन ईयर वी हैव रीच 1,75,000 रजिस्टर्ड यूजर, जिन्होंने अपना फेस भी वेरीफाई किया है और फोन भी वेरीफाई किया है. एंड वी हैव 17,000 पेड यूजर, जिन्होंने हमें EKYC एंड GST वेरीफाई करने के लिए हमें पैसे दिए. एंड इट्स क्रिएटिंग अ रेवेन्यू नाउ. एंड विद द गॉड ग्रेस द क्रेडमेट हैज रिकॉर्डेड 1,300 crore rupees ई कंसेंट ऑन द क्रेडमेट. सो हॉर्सेस आवर आस्क इज 1 crore rupees एट द वैल्यूएशन ऑफ 10 crore. अभी कितने ट्रांजैक्शन हो गए हैं प्लेटफॉर्म पे आपके? सर 98,000 ट्रांजैक्शंस हो गए, वर्थ इट 1,300 crore rupees सर. आपको क्या कमाते हो इसमें? अभी तो सर हमने जस्ट इन जनवरी EKYC के हमने 30 rupees चार्जेस लेना शुरू किया था, उनमें से सर हमें 17,000 लोगों ने 30 rupees हमें पे किए, इन विच उसमें से 5 रुपए में हमारा कॉस्टिंग आता है EKYC करने का, 20 fee वी अर्न, और हमने अपनी डेवलपमेंट और अदर एक्सपेंसेस में लगाए. बट जो हमारा बिगेस्ट रेवेन्यू मॉडल रहेगा वो यही रहेगा, जब आने वाले टाइम में इसमें हम UPI और बैंकिंग ट्रांसफर भी इसी में कर देंगे, ताकि मोर लिजिटिबल डाटा बने और लोग और डरें. उसमें हम सर ट्रांजेक्शन फी ऐड करेंगे, 10 million यूज़र के बाद हम सब्सक्रिप्शन मॉडल करेंगे, और अराउंड 1 महीने में सर हम एक रेवेन्यू मॉडल लेके आ रहे हैं कि जिसको गुस्सा आ रहा है उसकी एक डिफ़ॉल्ट हुई है ट्रांजेक्शन 100-500 हज़ार दे के, वो अपना डिफॉल्टर टाइमलाइन पे और अच्छे से प्रमोट कर सके. जस्ट लाइक द जस्ट डायल मॉडल. जस्ट डायल पे अगर आप पैसे देते हो, तो वो जितने पैसे देते हो आप उतना उनकी लिस्ट में ऊपर आते रहते हो. अगर मोहित सर को मेरे पे बहुत गुस्सा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कहते हैं मेरा 50,000 डूबा है, मैं 50,000 पे और लगा दूंगा इसको बदनाम करने में, क्योंकि अभी वो गुस्से में है. तो हम उसको तभी नोटिफिकेशन देंगे सर 1,000 रुपया दो, हम आपकी सेटिस्फेक्शन और पूरी करते हैं, हम उसको टाइमलाइन पे ऊपर लेके आएंगे. नहीं तो फिर आप ये KYC में नॉन आधार लोगों को क्यों ले रहे हो? अभी तो पूरा हिंदुस्तान आधार पे. हाँ, आधार पे आधार OTP इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हो? आधार अभी हमारा सबसे बड़ा मोटिव नहीं, अभी हमारा सबसे बड़ा मोटिव है फेज डिटेक्शन के साथ लोग लेके आने. एक बार सर सब फेस नहीं, वही पूछना चाह रहे हैं क्यों तो ऐसा? चलिए मैं फेस आ जाता ना भाई. हमारे लिए सर सबसे बड़ा, सर लोग आधार बदल लेंगे, पैन बदल लेंगे, फोन नंबर बदल लेंगे, पर कोई फेस नहीं बदल सकता सर. अरे बट फेस तो मिलता जुलता तो इतने मतलब भाई मेरे, मैं तेरे को बता देता हूं, मैं अपनी दाढ़ी के बिना एक छोटा 25 साल का बच्चा लगता हूं, दाढ़ी के साथ मैं 35 साल का लगता हूं. सर वो क्या फेस डिटेक्शन के सर? देखो सर आधार ऑलरेडी लिंक्ड है, बट ये कस्टमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर दिया ना आधार का इतना सर, हमने भी ऐप में इंटीग्रेट कर रखा है, बट अभी हमने मैंडेटरी नहीं किया उसको. जो अपना प्रोफाइल यूजर बनाना चाहता है, नहीं आप KYC करना चाहता है, वेरिफिकेशन करना चाहता है, अपने स्कोर बढ़ाने के लिए कर सकता है. अभी 17,000 लोग करेंगे आधार मैंडेटरी, बिकॉज़ हम तो मैम आने वाले टाइम में रेटिना भी करेंगे और फिंगरप्रिंट भी करेंगे, पूरी दुनिया का KYC करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैं तेरे साथ ये डील तभी करूंगा अगर तुम्हें को बोलेगा, प्रॉमिस करेगा कि तू आधार इंटीग्रेशन करेगा. मुझे फिंगरप्रिंट, रेटिना और कोई भी स्कैनर नहीं चाहिए सर. आधार इंटीग्रेशन है, मैंडेटरी करना पेंडिंग है बस. मैंडेटरी जस्ट से यस, तो हम आगे बात करते हैं सर. अभी हमें यूजर चाहिए तो इसलिए मैंडेटरी नहीं किया ताकि वो हिंड्रेंस ना बने. सर वी कैन प्रॉमिस यू, बट आफ्टर वी वांट द डाटा आल्सो सर. अभी भी आफ्टर एट सम पॉइंट टाइम, अभी भी सर सिर्फ सिबिल में आपको बार एंटर होना सिर्फ पैन कार्ड से हो सकता है. एंटर तो हो जाता है ना सर सिबिल. अच्छा, ये 1 crore से तू कहां पहुंचेगा काका? सर 1 crore से वी विश 100 crore यूजर हो जाएंगे. 100 crore? यस सर.
ये ऐप दुनिया के लिए है, 700 करोड़ लोगों के लिए है, 195 कंट्रीज हैं सर। एक कंट्री ने भी सर हमें कंपलसरी कर दिया ना सर, एक कंट्री का भी प्रेसिडेंट बोल दे। मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पर इनके सामने पिचिंग की है। जरा सुन लेते हैं डॉक्टर बिंद्रा इस पिच को लेकर क्या एनालिसिस वो देते हैं, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर बिंद्रा प्लीज आप आइए, क्योंकि हमारे हॉर्सेस जो है वो कन्विंस नहीं है इनकी पिचिंग से। नहीं, अगर हॉर्सेस कन्विंस नहीं होते तो इतना देर नहीं लगाते। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति जो थोड़ा पैसा खो देता है वो कुछ खो देता है, जो मित्र खो देता है वो काफ़ी कुछ खो देता है, और जो विश्वसनीयता खो देता है वो सब कुछ खो देता है। क्विकली ये समझते हैं, क्या वो दिन आएगा जब उधार देकर कोई नहीं पछताएगा, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जब कोई फ्रॉड नहीं छुपा पाएगा। उसी टेक्नोलॉजी पे काम किया कि कोई फ्रॉड ना छुपा सके, और इस समय आप देखेंगे 2018 से 21 के बीच में जो बैड लोन्स हैं वो 2,00,000 करोड़ पार कर चुके हैं। आज हमारी पूरी GDP का 7% NPA हो चुका, यानी कि 8,34,000 करोड़। तो इस समय उधार लेने और देने की समस्या बड़ी है। GST, आधार और पैन, उसको लेकर के क्रेडिटमेट काम कर रहा है। बैंक्स को आने वाले समय में सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे बैंक इनका अपने आप में बड़ा कस्टमर बन जाता है। बोरोअर को ये स्कोर देगा ताकि वो आसानी से बाद में चल करके बैंक से भी लोन ले सकें। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इनेबल करिए ट्रांजैक्शन को भी आपके प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी आप केवल रिकॉर्ड मैकेनिज्म है। अगर आप ट्रांजैक्शन भी आगे चल के इनेबल करेंगे तो काम बहुत बड़ा हो सकता है। संसार बहुत बड़ा है, उधार के लेन देन में अगर आपने भी है ठोकर खाई तो आकर के आप कस्टमर को क्रेडिटमेट पे करें वेरीफाई। मेरे लिए आपका रेफरल रेट, रिपीट रेट इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए का डिफॉल्ट बचाया वो इंपॉर्टेंट है, और कितने रुपए का लोन आपके प्लेटफॉर्म पे जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मैं ये देखना चाहूंगा। बहरहाल आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि आपके मार्केट की पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल वास्तव में बहुत बड़ा है। अब आपके और हॉर्सेस के बीच में है, यथा इच्छसी तथा कुरु। आई एम इंटरेस्टेड बट नॉट एट दिस वैल्यूएशन फॉर श्योर। आई एम आल्सो इन। हमको बात करनी है। आई थिंक इस सीजन की पहली डील है जिसमें हम पांचों हॉर्सेस एक साथ आना चाहते हैं। हमारा ऑफर है 1 crore rupees फॉर अ ब्लेंडेड वैल्यूएशन ऑफ 4 crores। तो यानी कि 25% ownership हम लेना चाहते हैं 1 crore rupees में। अभी आप उसको प्राइमरी सेकेंडरी किस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं ये हम आपके ऊपर रखते हैं। यू हैव टू बी, बिकॉज आपके पुराने इन्वेस्टर भी हैं, अगर आप उनसे थोड़ा सा इक्विटी लेकर हमको ट्रांसफ़र कर दें तो आपका 1 crore तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ब्लेंडेड मैं कह रहा हूँ, हमको इस वैल्यूएशन पर आना है, आपका भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आप ठीक से इसको स्ट्रक्चर करेंगे। तो आई वुड अर्ज यू कि आप हमारे स्टार्टअप मेंटर जो हैं बिंद्रा जी, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, वो भी जानते हैं हमारे क्या वैल्यू एडिशन है। तो लेट्स सी क्या बोलते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से इनको मैंने 4 पे मनाया है, तू क्यों नखरे कर रहा है बेटा? सर नखरे नहीं कर रहा, ये आप सबसे हमने सीखा है, अगर आज हम काउंटर ना करते हैं तो सर हमें भी तो लगे ना कि हम भी कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। सर हम सब्जी थोड़ी ना खरीदने आए भाई, सब्जी थोड़ी ना खरीदने आया, तू तो नेगोशिएट करो ना, 4 crore 10 lakh पे नेगोशिएट करो। सर फाइनल टेक ऑफ डील दे दो इनको। सर 10 lakh पहले ही 7.5 पे ले आए सर। अरे काका महावीर, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, आई विल टेक व्हाटएवर यू से फाइनल ऑफर, मैं उसमें हां करूंगा, उसके बाद फिर मैं एक कैन आई जस्ट गो टॉक टू देम फॉर अ मिनट। महावीर जी ने ऑफर दिया है 5 crore की वैल्यूएशन पर 1 crore सर इन्वेस्टमेंट। महावीर ओवर पे किया है सर। यार लेट्स, आई लव देयर एनर्जी एंड कमिंग, एक लुधियाना जैसे छोटे शहर से आके इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा रखने, बहुत काबिले तारीफ है। थैंक यू, वी आर ऑल ठीक है। थैंक यू, 5 crore, थैंक यू। फंडिंग
ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।